हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी के अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस आदित्य कॉन्वेंट। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम है, जिसकी पिछली 3 एक्सरसाइज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। आज हम बात करेंगे हमारा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अभी तक आपने रेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन काफ़ी कुछ सीखा है। यहाँ हम नंबर लाइन पर डेसिमल एक्सपेंशन को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी छोटी भी है। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं। यहाँ मैं आपके आज उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी की आपकी बुक है, पेज नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। हमारी डिजिट है 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन एक मेथड है जिसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, और इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप ध्यान दें, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन से ही आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। हमारा यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन है 3.765। सबसे पहले हम नंबर लाइन पर चलते हैं और यहाँ हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। हम यहाँ अपनी डिजिट पे चलते हैं। हमारा डिजिट है, ये वाला हमारा डेसिमल पार्ट है और ये वाला इंटीग्रल पार्ट है। हमारा इंटीग्रल पार्ट है वो है 3। तो हम नंबर लाइन पर आते हैं और यहाँ हमारी 0 है सेंटर में, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और इधर हमारे नेगेटिव नंबर -1, -2 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली हमारा नंबर ये पॉजिटिव है जो कि राइट हैंड पर आता है, और हमारी फर्स्ट डिजिट जो है डेसिमल से लेफ्ट हैंड वाला पार्ट 3.765 3 से स्टार्ट होती है। तो आइए ध्यान दें, अपना फोकस करें आप नंबर लाइन पे। तो जब हम नंबर लाइन के अलोंग वे हम अगर बढ़ते हैं तो हम यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में सेंट्रलाइज होगा, 3 और 4 के बीच में। इसी प्रोसेस को ही सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं, क्योंकि अभी हमें 3 से आगे भी बढ़ना है। तो हम इस नंबर को ही मैग्नीफाइड करेंगे, नंबर लाइन के इस हिस्से को ही हम मैग्नीफाइड करते हैं और इस हिस्से की ओर हम आगे आते हैं। सपोज दैट ये हमारी नंबर लाइन है और हमने सिर्फ 3 और 4 सिर्फ इस वाले पार्ट को मैग्नीफाइड किया है, और इसको फिर से हम लार्जर स्केल पर देख रहे हैं, और 3 और 4 के हमने बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 और 4, एक बार फिर से ध्यान दें आप, 3 और 4 के बीच के पार्ट को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इनके इक्वल पार्ट्स किए। अब हम अपने डेसिमल पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, डिजिट चाहिए 7। तो इनका मैं पहले न्यूमर मतलब नंबर दूंगा इनको, 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हमें चाहिए यहाँ 3.765। तो हम नंबर लाइन की ओर बढ़ते हैं, हम 3.7 पर पहुँच चुके हैं, और हमारा जो अगला डिजिट है 7 के बाद 6 वो 3.8 के बीच आएगा। मीन्स हम यहाँ क्लियर हो चुके हैं कि हमारा जो नंबर है वो 3.7 से आगे और 3.8 के पीछे। मीन्स हमें ये वाला पार्ट ही मैग्नीफाई करना है। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब इस पार्ट को हम फिर से मैग्नीफाई करते हैं, हम एक और नंबर लाइन खींचेंगे और हमारी ये नंबर लाइन स्टार्ट होगी 3.7 से और फिनिश होगी 3.8 पर, क्योंकि हमें अगली डिजिट जो चाहिए वो 6 चाहिए। इस नंबर लाइन के हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर अब हम डेसिमल के दूसरे स्थान पर, दूसरे प्लेस पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 काफ़ी पास है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8। यहाँ आप ध्यान दें, हमारा नंबर है 3.765। तो यहाँ हम नंबर लाइन की ओर चलते हैं, 3.76 तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और अगला नंबर है 3.77, लेकिन हमें जाना है 3.65 पर। तो ऑब्वियसली हमारा नंबर इन दो डिजिट्स के बीच में ही सिचुएटेड है। अब हम इस वाले पार्ट को फिर से मैग्नीफाई करते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, हमारा पार्ट है 3.77 और 3.7
3.77 और 3.78. पहला पार्ट 3.76 और दूसरा पार्ट 3.77. हम यहाँ 3.765 के 3.76 तक पहुँच चुके हैं और अब यहाँ हम डेसिमल के थर्ड नंबर पर आने वाले हैं. फिर वही प्रोसेस हम इस नंबर लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब यहाँ डेसिमल के थर्ड प्लेस की डिजिट भी हम रखना शुरू करेंगे. 3.76 के बाद 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.777, 3.778, 3.779 और आपका 3.77. तो हमें चाहिए यहाँ 3.765. इस नंबर लाइन से लेफ्ट हैंड की ओर हम बढ़ते हैं राइट हैंड की ओर, तो 3.765 ये हमारा लोकेट हो गया और यही हमारा आंसर है. यही आपका क्वेश्चन है. ये पूरा प्रोसेस एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं. हमारा नंबर 3.765 डेसिमल के थर्ड प्लेस तक जा रहा है. इसे हम नॉर्मल नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं, 3 और 4 के पार्ट को हम मैग्नीफाई करते हैं, फिर उसके बीच की लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर अगले फर्स्ट डिजिट पे जाते हैं हम 3.7 और 3.8, फिर उनके बीच के पार्ट को मैग्नीफाई करके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर डेसिमल के सेकंड पार्ट, फिर डेसिमल के थर्ड पार्ट. उस तरह से हम अपना 3.765 लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन. विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. क्वेश्चन में कह रहा है हमें 4.26 बार को अपनी नंबर लाइन पर विजुलाइज करना है. 26 बार डबल डिजिट पर बार है, आप समझ रहे हैं. 26 जो डिजिट्स ऑफ ब्लॉक्स है ये रिपीट हो रहा है और उसने कंडीशन भी लगा दी है कि अप टू द फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल मींस 4.2626 फिनिश. इसके आगे हमें नहीं करना है क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे 4 नंबर आ चुके हैं और सेम यही प्रोसेस आप यहां फॉलो कर देंगे. सेम यही प्रोसेस आप पहले 4 और 5 के बीच के पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे, फिर 1-1 डिजिट करके आप इस तरह 4 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं. अगर कहीं भी आपको क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, आपको सेटिस्फाइड आपको आंसर मिलेगा. हमारी अगली एक्सरसाइज, अगले टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.